बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। स्कूल बी असेसमेंट्स 2023-24 फर्स्ट टर्म का साइंस क्लास 4 का जो पेपर है वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये स्कूल बी असेसमेंट है, पैक की तरफ से जो इम्तहान होने जा रहे हैं साइंस का ग्रेड 4 का, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 10 नंबर की आपके पास आएगी, हर एम सी क्यूज के 2 नंबर मिलेगी और 20 नंबर आपके पास एम सी क्यूज के हो गए। सब्जेक्टिव के 30 नंबर हो गए और टोटल 50 नंबर हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास ऑप्शन ए वाला दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन जो ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी फॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात लगाना इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन सी स्नेक इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है वो मैरियन समंदर इसका दुरुस्त जवाब है। ये थे आपके पास वो 10 एमसीक्यूज जो आपने अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेने ताकि आपके पास फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके के साथ हो सके। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहा जा रहा है राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑर्गन्स जानदारों। जानवर के मतलब जर ऑर्गन का एक फॉल लिखना, अपने 4 नंबर आपको मिलेंगे, एक स्कल और दूसरा हार्ट। नेक्स्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप लोगों ने चीज नहीं लिखनी, आपने लिखना है स्कल के अंदर क्या होता है, इट प्रोडक्ट्स द ब्रेन, और हार्ट क्या होता है, इट पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ऐसे ही उर्दू मीडियम वालों के लिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों ने ये नहीं लिखनी, आपने लिखनी है खोपड़ी ये दिमाग की हिफाजत करता है और दिल ये पूरे जिस्म में खून पंप करता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्लासीफाई दी फॉलोइंग इन टू वर्टिबेट्स एंड इनवर्टिबेट्स। तो आपके पास जो जवाब है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो ये 3 चीज़ें हैं और साथ में ये 3 चीज़ें, और उर्दू मीडियम वालों के लिए जो आंसर है वो ये वाली 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेनी है स्क्रीन शॉट इसके लिए और इसको आप हल करना शुरू करें। नेक्स्ट कहा जा रहा है डिफाइन वर्टिबेट एंड इनवर्टिबेट्स, अब आपने उसकी तारीफें करनी है। तो मॉरल आंसर के अंदर आपके पास वर्टिबेट्स का आंसर लिखा हुआ है और साथ में नीचे इनवर्टिबेट्स का आंसर लिखा हुआ है। ये जो रबिक्स है ये आप लोगों ने नहीं लिखनी, ऐसे यहाँ पे रूब्रिक ये जो लिखी हुई है ये आपने नहीं लिखनी। नमूने का जवाब जो है वो वर्टिबेट्स का ये लिखा हुआ है और इनवर्टिबेट्स का जवाब ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए जो रबिक ये आप लोगों ने नहीं लिखनी। आंसर जो है वो है जी द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरमेंट मेक एन इकोसिस्टम, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब है। उर्दू मीडियम का जवाब है माहौल के जानदार और बेजान अज़ा इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द 4 एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो इसका जो जवाब है वो है जी एयर वाटर सोल टेम्परेचर लाइट। ऐसे उर्दू मीडियम वाले जवाब है हवा पानी मिट्टी दर्जा हरारत और रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड गिव वन एग्जाम्पल, तो उसकी जो आंसर है वो आप लोगों ने लिखना है प्रोड्यूसर से यह स्टार्ट होगा, द लिविंग थिंग्स से स्टार्ट करना अपने और एंड तक मुकम्मल करना है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब है, उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये उर्दू मीडियम वालों का जवाब होगा। प्रोड्यूसर्स वो जानता है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, ये अपने आंसर इसका लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मॉडल आंसर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन सेंस, लिविंग थिंग कैन ब्रेथ एंड लिविंग थिंग्स यूज फॉर टू रिमेन अलाइव, ये आपने लिखना है। उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब ये एंड वाली 2 लाइनें होगी। नेक्स्ट राइट एनी नेम ऑफ 3 वर्टिबेट्स एंड इनवर्टिबेट्स, नाम आपने लिखना है तो वो आपके पास ये लिखे हुए हैं, ये आपके पास आंसर है। उर्दू मीडियम वालों का जवाब जो आंसर है वो ये 1 लाइन के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो ये थे मेरे पास स्कूल बी असेसमेंट साइंस की ग्रेड 4 के लिए फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने हमने शेयर किया है। किसी भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए, उसके गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमारे साथ रब्ता करें, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।